एवरीवन, मैं आपके साथ सारा। हाय फ्रेंड्स, और मैं हूँ हिमांशी। तो हिमांशी, आज हम किस पे रिएक्शन देने वाले हैं? आज हम लेके आए हैं मेक जोक ऑफ की एक वीडियो है जिसका नाम है एंग्री बाबा। पता है हिमांशी, मुझे ना ये मेक जोक के सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। एक टाइम को सारी टेंशन खत्म हो जाती है, बड़ा मजा आता है देखने में। तुम्हें कैसा लगता है? फिलहाल तो अच्छा लगता है, बट अभी इसे देख के बताते हैं कि ये वाले एंग्री बाबा कैसे हैं। चलो वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा वीडियो के बारे में तो डिस्कस करना चाहिए ना कि हमें क्या पसंद है। मतलब हमारे फॉलोअर्स भी तो जानना चाहेंगे ना हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है। हमारी वीडियो से ज्यादा तो अभी फिलहाल इस वीडियो पे रिएक्शन दे दो। चल चल चल, ठीक है, लेट मी स्टार्ट। ही ना बाबा, भक्तों के आने का टाइम हो गया, गेट खोल दे बाबा। दाढ़ी तो चूहे कुतर दी। वाह, नहीं नहीं वाह, हमारी दाढ़ी चूहों ने कुतर दी, क्या बात है। अब हम यहाँ बिना दाढ़ी के बैठे हैं, तो अब किया भी क्या जा सकता है, बैठना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, किया भी क्या जा सकता है, अब बाबा से बुआ बन के बैठना ही पड़ेगा हमको, और जब लोग पूछेंगे तो कह देना कि आज व्रत है इसलिए दाढ़ी कटवा दी है। पापा, इतना परेशान काहे रहते हो तुम बात बात पे। बाबा आप गेट खोल दे, बाबा गेट खोल दे। देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि हमारी खोपड़ी में रख दो, और दूसरा सरेआम बीच बाजार में रख दो जिसे सब लोग देखे कि बाबा दारू पीते, कमला पसंद खाते, और सब समझ जाए कि बाबा ढोंगी है। फिर हमारी पिटाई होगी और तुम गाना गाना, बाबा ढोंगी है, ढोंगी है, बाबा ढोंगी है। ठीक है, सर पे रखे दे रहे, पास अरे पागल, छत पे रखो जाके। छत पे ना रखो, बहुत बार बार उतारना बैठना पड़ता है। तुम कहीं ना उतरो, बैठो, तुम यहीं खड़े रहो, हम यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद करे ले रहे हैं, तुम यहीं पढ़ा लेंगे इसको, ठीक। अरे दादा उधर रखो जाके, नहीं मास्टर फट जाएगा, पता है तेरा। हटो बाबा, तुमको गेट खोलना होगा ना। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हो प्रभु? बाबा, हम ये कह रहे थे कि कितनी देर बाद गेट खुलवाओगे। कहे तुमको लैटरिन बाथरूम लगी है क्या, जो खड़े होने में दिक्कत हो रही है? नहीं तो खड़े रहो थोड़ी देर, एक से एक भंग पड़े माया। हो गया सारा काम? हाँ, और तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं था। कोई अभी गया नहीं तुम्हारा रखने। मेरा चेहरा देखो, सब ठीक है, बाबा लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो है, ठीक है, सब ठीक है। शीशा लेके आओ यार, तुम लोग पे भरोसा भी करना बेकार है, लाओ शीशा। कहाँ से लग रहे हैं बाबा? मेरे बाल कहाँ हैं? बाल बाबा के बाल ही गायब हो गए। पीछे पड़े होंगे बाल, कल गिर गए थे। ये लो। लोगों से कहना कि हम ध्यान लगाएं, सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, और तुम गेट खोलो। गेट खोलो महाराज। अच्छा अच्छा, गेट खोले? नहीं खोले, इतनी देर से पूछ रहा था, गेट खोले। ठीक,
Oh my God. बाबा मुंडी नीचे करके काए बैठे दाढ़ी नहीं है बहुत ध्यान लगाए जब हम लोग अंदर आते तभी बाबा का ध्यान लगाते अभी तक तो चिल्ला रहे थे खूब और बाबा की दाढ़ी कहाँ चली गई आज बाबा को व्रत है इसलिए बाबा ने दाढ़ी कटवाई है अच्छा ए ज्यादा ताकि काम वगैरह तुम ना करो जो दिक्कत है बोलो निकल लो यहाँ से बाबा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो हम क्या करें हमारी बड़ी मजबूत है जैसे आर्थिक स्थिति चले आए मुंह उठा के तो आपकी भी कमजोर है क्या नहीं हम तो राजा हैं महलों में रहते हैं हम सोने के कपड़े पहनते चांदी का मुकुट लगाए देखो हमारे घर में आर्थिक कहने को कोई चीज ही नहीं है एक कच्छा खरीदना चाहते हैं 200 रुपए का आता है 10 दिन से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं एक एक रुपया इकट्ठा हो रहा अभी तक कच्छा नहीं खरीद पाए अच्छा मतलब बाबा 200 रुपए का कच्छा पहनते नहीं तो क्या तुम बाबा को छोटा मोटा समझे और क्या भाई बाबा बाबा है तुम निकल यहाँ से और तुम यहाँ आओगे ही नहीं तुम यहाँ नहीं आओगे तुम्हारी शक्ल गंदी है दूसरा कौन है वो है पहली बात कम से कायदम बात कर लियो दूसरी और दूसरी बात कि हम जानते हैं आपने अपनी धोती के नीचे जीन्स पहनी है तो आप बाबा हो तो बाबा होके जींस पहनोगे ढोंगी हो क्या देखो ऐसा है ठंडी लगती है इसलिए पहनते अभी तो ठंडी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है गर्मी ही चल रही मतलब पक्का ढोंगी हो अरे मच्छर काटते हैं यार इसलिए पहनते कोई दिक्कत तो मच्छर काटते हैं तो मॉर्टिन लगाओ जींस पहनने की क्या जरूरत है कहां मॉर्टिन लगा ले बताओ कहां मॉर्टिन लगा ले धोती के नीचे मॉर्टिन लगा ले धुला ले धोती मर जाए खुद और क्या इसको नल के पास बिठाओ जल के मिलते हैं अभी इससे चलो क्या है बड़े गुगले छूट रहे मुंह में बाबा हमको तो बस प्रसाद लेना है अच्छा कुछ चढ़ाने वढ़ाने के लिए लाए हो कि इसे प्रसाद लेना लाए तो नहीं है फ्री में प्रसाद बांटेंगे क्या बात है यहाँ भंडारा चल रहा है जो प्रसाद लेने आ गए हो अब क्या भंडारा ही समझो बाबा ने अपने बाल प्रसाद में अर्पित कर दिए कि विग गिर गई बाबा की हमने अपने बाल अर्पित किए हैं वो प्रसाद मांग रहा था इसलिए नहीं नहीं है तो ये भी क्योंकि इसमें कंपनी का नाम लिखा है मतलब बाबा ढोंगी है बाबा ढोंगी है क्या बाबा ढोंगी है बाबा ढोंगी है बाबा ढोंगी है तो अब क्या बाबा पीते जाएंगे और बाबा सोते भी जाएंगे गेट खोल दो सबसे पहले भागे तुम मिली हो कभी ऐसे बाबा से हिमांशी नहीं मैं ऐसे बाबा से तो नहीं मिली क्योंकि मैं बाबाओं में बिलीव भी नहीं करती पर आज की जनरेशन को क्या होता जा रहा है पता नहीं मैं भी बिलीव नहीं करती बाबाओं पे और जब से ये 2-3 केस हुए तो बाबाओं पे बिल्कुल यकीन उठ गया है जिसके पीछे ज्यादातर राम लगता है वो ज्यादा केस करते हैं है ना वही तो सच में वो देखो ये बाबा कैसा था पूरा आर्टिफिशियल बाबा था दाढ़ी थी नाभिक था सब कुछ है तो इन बाबा से मिलने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि बाबा कैसे होते हैं तो इसलिए बाबा और शाबाओं पे ध्यान मत दो पूजा वूजा करो दुआ हुआ करो सब कबूल ऊपर वाला करता है एंड क्या कहना था जैसे इसकी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं अपने फॉलोवर्स में देखिए ध्यान रख लियो सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर दियो है ना कैसे आ नहीं रही ना ये लैंग्वेज बोलना थोड़ा तू बोल के दिखा आती है लैंग्वेज कौन बोलेगा यार इतना अच्छा बोलता है देखो ना सही बताए दे रहे हैं अगर नहीं करा ना सब्सक्राइब
तो देख लेना जवाब नहीं देंगे हम कहते ही हैं पर कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपकी बार अगर आपने हमारे इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया तो बताई दे रहे हैं, हम जवाब दे ही देंगे आपकी बार। थोड़ा सा तो किया ना। चलो आप बताइएगा कैसे लगे आपको हमारे रिएक्शन, और प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी हमारे व्यूज भी खत्म हो गए हैं, इतना अच्छे से हम रिएक्शन देते हैं यार। सदा सॉरी हिमांशी सदा की याद आ गई। हाँ यार आई मिस हर। चलिए आप भी कुछ बोल सकती है। बस आपने बोली तो दिया, कभी कभी तो ये बोलती हैं वैसे भी। हाँ ये तो है, बहुत बोलती हूँ मैं। चलिए ठीक है, अभी की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ मेरा डायलॉग खास। तब तक के लिए बाय बाय।